Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. आज स्वर्गीय वीर कुमार जी की पुण्यतिथि है और उनके देवासन को 20 साल आज हो रहे हैं. अजमेर शहर उनके जो किए गए कार्यों को और उनकी जो अमिट छाप है सभी जनप्रतिनिधि के मन में, सभी जनता के मन में, सभी नागरिकों के मन में, जो उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी हुई है आज भी भुलाई नहीं भूलती है. मैं तो उस समय पार्षद था, उनके समय मेरे को तो उनकी बहुत याद आती है और मुझे तो राजनीति में ही वो लाए थे. तो उनका जो कार्यशैली थी और उनका जो कार्य करने का जो एक अलग ही छाप थी, मैं तो अपने जीवन में उसको लेकर के चलता हूँ. आज के दिन हम यहाँ आए हैं उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने. मेरा तो सभी अजमेर वासियों से भी और सभी नागरिकों से, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि उनकी जो जीवन शैली, उनके जो कार्य करने की शैली को अपनाएं और अपने जीवन में उनका एक अमिट छाप छोड़ने की एक आज के दिन एक अपना आह्वान करें और एक शपथ लेकर के आज यहाँ से जाएं. नम स्वाभिमान ग्रुप के 8 कार्यकर्ता अहमदाबाद से भी आए हैं, गुजरात से. कल शाम को तोपदड़ा सर्कल पर हमने दीपदान किया और आज ऋषि घाट स्थित शमशान गृह में शहर अजमेर हम सबके अजीज मार्गदर्शक वीर कुमार जी को हमने श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया और उनके मार्ग पर चलने का प्रण लिया है. देश की परिस्थिति अभी जिस तरह से है, उस समय में वीर कुमार जी की ये विचारधारा बहुत याद आती है कि जनहित का कोई भी कार्य हो, देश हित का कोई भी कार्य हो, मानव धर्म सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में है, पहले देश है. वीर कुमार जी से हमने ये चीज़ सीखी है कि सबसे पहले हमारा तिरंगा है, उसके बाद ही देश की और कोई चीज़, सबसे पहले भारत माता है, उसके बाद ही और किसी का हित है. इसलिए आज के दिन मैं सभी अजमेर वासियों से और सभी भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तिरंगे को सबसे ऊपर रखें, जातियों में विभाजित ना हो, धर्मों में विभाजित ना हो, हमारा देश पहले है. अगर हमारा देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे. हमारा देश ही नहीं रहेगा, हमारे देश को विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो देश का क्या होगा. आप सब मिलकर देश को मजबूत बनाने के लिए करें. जो भी आपके मतभेद हैं वो दूसरों से रखें, दूसरे देशों से रखें, भारत से नहीं. ये सब हमारे भाई हैं. हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति हमारा खुद का अपना है, भारतवासी है. हर व्यक्ति को अपना भाई समझें, भारतवासी समझें, ये हम सबसे अपील करते हैं.